अस्सलाम दोस्तों, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने पूरी दुनिया बनाई है और उसी के नाम से ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आपने अपना जो लोन एप्लीकेशन का डेटा है वो क्या रिव्यू करवा सकते हैं पैसे दे के या फिर किसी और तरीके से। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती होंगी, उसमें लिखा होता है कि बस सिर्फ 1 सेकंड में आपका अपना डेटा रिव्यू हो जाएगा, ये करें वो करें। और तो और, अगर आपको कोई कंपनी का एजेंट, जैसे बर वक्त हो गया, पीके लोन या इजी लोन का कोई भी एजेंट अगर आपसे रब्ता करता है और आपसे वो कहता है कि आप जो है हमें इतने पैसे दे दें, हम आपका जो है डेटा ख़त्म करवा देंगे, इतने पैसे दे दें, हम आपका जो है ना पूरा जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर है वो ख़त्म करवा देंगे। तो आज इसी सिलसिले में बात करेंगे। अगर आपने इस तरह की यूट्यूब पे भी वीडियो देखी होगी, ज़रूर देखी होगी, और आपने नीचे कमेंट्स कर दिया तो आपको रीप्ले आ जाता होगा कि आप हमसे रब्ता कर लें, हम आपका डेटा जो है सारा क्लियर कर देंगे। तो आज इसी हिसाब से बात करेंगे कि क्या आपका इस तरह डेटा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे क्लियरली एक बात बता देता हूं कि काफ़ी ज़्यादा, यानी कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे डेली की वीडियो वॉच करते हैं, मेरा पहला मकसद सिर्फ ये होता है कि उन तक जो है रियल और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मगर इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि कल को उनके काम आ सके। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूँ कि देखें, जैसे आपसे कोई पैसे लेके आपका डेटा रिव्यू करवा सकता है, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें तो आपका लोन भी ख़त्म करवा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बात बता दूं, ये एक फैक्ट अब लोग जो हैं वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं सिर्फ अपने, यानी कि पैसे लोगों से बटोरने के लिए, और परेशान लोगों को और ज़्यादा तंग करते हैं, और उनसे जो बचे खुचे पैसे होते हैं वो भी ले लेते हैं और उनका काम भी नहीं होता, और फिर बाद में उनको वही कॉल्स और वही धमकियां वही आ जाती हैं कि आपने लोन जमा नहीं करवाया, आपका डेटा कहाँ ख़त्म हुआ है, क्या हो गया, आप भाई लोन जमा करवाएं हम, वरना ये कार्रवाई कर देंगे वो कर देंगे। तो फिर आपको वही परेशानियां और वही मसाइलों का सामना करना पड़ जाता है। तो लिहाजा एहतियात कीजिएगा, अगर कोई भी आपसे पैसे मांगे कि हमें पैसे दो और हम आपका डेटा क्लियर कर देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ डेटा क्लियर आपका वो लोन एप्लीकेशन जो है वो ही ख़त्म कर सकती है, मगर वो भी ख़त्म नहीं करती, क्योंकि जब भी आप अपना शिनाख्ती कार्ड वहाँ पर डायल करेंगे तो आपका जो पूरा पुराना डेटा होगा वो वहाँ पर शो हो जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह एक और वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।